नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और आप सबको स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है। ये ऐप का नाम है MCD Academy, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कंपनी जो ऐप प्रोवाइड कर रहा है, ये उड़ीसा बेस्ड कंपनी है, जो कि स्टार्टअप उड़ीसा एंड स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से रिकॉग्नाइज है। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है, और मैं आज बताने वाला हूँ इनके ऐप का क्या बेनिफिट है और मैं ये ऐप को बेस्ट क्यों बोला। और ये ऐप का सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे अच्छा चीज़ है, ये ऐप को सब कैटेगरी का लोग यूज कर सकते हैं, ताकि वो हायर स्टैंडर्ड लोग हो या मिडिल क्लास लोग हो या लोअर क्लास लोग हों, ये ऐप सबके लिए बहुत यूजफुल है एंड ये सब यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये ऐप में जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री है। आप ये ऐप को डाउनलोड करके आपका कोई फ्रेंड को रेफर कीजिए और किसी और को रेफर कीजिए और आपका ऐप में कंटेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आप जो भी बेस्ट कंटेंट है आप उसको यूज कर सकते हैं आपका स्टडी के लिए और बहुत क्वालिटेटिव चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दोस्तों, ये करंट सिनारियो में बहुत सारे एजुकेशन ऐप हैं जो कि आप लोगों से बहुत चार्ज कर, ये ऐप जो है MCD Academy उसमें कंटेंट बिल्कुल फ्री है एंड CBSE क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। बहुत सारे चीज़ ये ऐप में प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट इन लोगों का है और बहुत सारे फीचर्स ये ऐप में हैं। आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाएगा एंड सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो कंटेंट है, जो एजुकेशन कंटेंट है, जो स्टूडेंट के लिए जो भी सब्जेक्ट वाइज कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए एक भी रुपया कंपनी चार्ज नहीं कर रहा है। एंड इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डाउनलोड कीजिए और कोई आदमी और कोई भी स्टूडेंट को आप रेफर कीजिए, वो लोग आपको डाउनलोड करेंगे एंड रजिस्टर करेंगे तो आपका कंटेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। काफ़ी अच्छा कंटेंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ए क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री कंटेंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ एंड साइंस CBSE का क्लास 1 से क्लास 12 तक एंड एलॉन्ग विद दैट JEE और NET का भी ये लोग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कैसे समराइज करेंगे चीज़ को, काफ़ी अच्छा चीज़ें लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बढ़िया ऐप है, आप एक बार जाइए डाउनलोड कीजिए और ये ऐप का फीचर्स को आप यूज़ कीजिए। और मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये लोग, मैं जो बोला कि एजुकेशन सेक्टर में ये लोग इम्पैक्ट डालने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे कि सबको ही तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, सबको ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए चार्ज भी कर रहे हैं। ये जो ऐप है इसमें बिल्कुल फ्री है कंटेंट एंड ये सब कैटेगरी के लिए, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे वो मिडिल क्लास पर्सन हो, चाहे वो पुअरेस्ट पर्सन हो, सबके लिए ये ऐप एप्लीकेबल है। एंड जो बेस्ट इम्पैक्ट है ये जो कंटेंट है, क्योंकि आज के डेट में सबको ही चाह रहे हैं अपना बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन सबको ही अच्छा कंटेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सब एडुटेक कंपनीज जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सबको ही इसको ले नहीं पा रहे हैं। आप अगर देखेंगे उसका परसेंटेज तो काफ़ी कम है, क्योंकि उनका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास और एक पुअर फैमिली के लिए वो तो सपना ही है। MCD Academy का टारगेट क्या है कि सबके पास अच्छा कंटेंट पढ़े ताकि इंडिया अच्छे से बढ़े, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये जाके आगे देश को संभालने वाले हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। हम लोग अभी के जेनरेशन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आगे जाके ये उसी हिसाब से देश को ड्राइव करेंगे जो आज वो सीख रहे हैं। तो आज इनके पास क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि वो आगे जाके उसी हिसाब से देश को ड्राइव करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ये ऐप में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऐप में कंटेंट क्या प्रोवाइड हो रहा है, ये ऐप में और क्या बेनिफिट्स है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और रिसर्च भी बताऊंगा कि क्या है अभी एजुकेशन सेक्टर का हाल, क्या है स्टूडेंट का सिचुएशन, क्या है पेरेंट्स का सिचुएशन।
क्योंकि जब एजुकेशन का बात आ रहा है ना, इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनफैक्ट तीन लोग, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स। इन तीन लोगों के बीच में जो भी जो साइकिल है ना, ये तीन लोगों के बीच में होता है। सो स्टूडेंट का काम है पढ़ना, पेरेंट्स का काम है पढ़ाना, और टीचर का काम है गाइडेंस प्रोवाइड करना, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और सही दिशा में लेके जाना स्टूडेंट का कैरियर को। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप कभी ये चीज़ फील किए हैं कि आप कभी देखे हैं कि बहुत इंडिया में कितने सारे स्टूडेंट स्ट्रेस में रहते हैं और क्यों रहते हैं? आप अगर देखेंगे बहुत सारे इंसिडेंट्स होता है हर साल कि स्टूडेंट स्ट्रेस के वजह से ये कर लिया है, स्टूडेंट स्ट्रेस के वजह से वो कर लिया है। तो ये बहुत खराब चीज़ है। हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट का इश्यूज क्या है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, सब बोलते हैं कि मैं इधर से ले आया कंटेंट, मैं उधर से ले आया, मैं ये एडुटेक कंपनी का ले रहा हूँ, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, मैं ये स्कूल में डाल रहा हूँ अच्छा पढ़ेगा, मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ ट्यूशन में तो अच्छा पढ़ेगा, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, क्यों? आज मैं वो चीज़ के ऊपर बात करूंगा जो कि MCD एकेडमी का जो आप है जो आपको गाइड करेगा यही सब चीज़ में, इनफैक्ट ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपको, और वो जो सॉल्यूशन है ना वो इंस्टेंट रिजल्ट आएगा आपका। तो मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें जो बेस्ट चीज है, ये लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आपके थ्रू से, मतलब इनका जो टेक एनेबल्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल, ठीक है, देन आइडेंटिफाइंग इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, क्या इश्यूज है स्टूडेंट्स का और इस स्टूडेंट का क्या सॉल्यूशन चाहिए। और जो फ्री कंटेंट मैं तो आपको बोल चुका हूँ, इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो भी साइंस एंड मैथ का कंटेंट है हर क्लास के लिए ये फ्री है। एंड जो बेस्ट चीज़ है, जो जिसे के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सो इसका मेन जो प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड DMIT टेस्ट। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये तीन साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो DMIT टेस्ट है वो पेड है, एंड इसका जो प्राइस है काफ़ी कम है। साइकोमेट्रिक एंड DMIT टेस्ट अगर आप पैकेज में ले रहे हैं तो आपको ये 7,200 में आ जा रहा है पूरा, एंड सालों भर ये लोग आपको मॉनिटर करेंगे आपके थ्रू से, आपको एवरी मंथ का डेवलपमेंट पता चलेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट मंथली प्रोवाइड हो रहा है, तो काफ़ी सारा चीज़ ये लोग आपको सर्विस में प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा ऐप है, आप एक बार यूज़ कीजिए और आप इसका बेनिफिट जान पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट बात करने से पहले मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो रिसर्च आज पर द नेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने किया था। तो आपको पता है दोस्तों, 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लाइंड टू एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो 70% ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि अच्छा शहर में रहते हैं, मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में पेरेंट्स उनके बच्चे के पीछे काफ़ी सीरियस हैं कि वो कैसे अच्छा एजुकेशन उनको मिले, लेकिन 70% स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लाइंड टू द एजुकेशन। उनको पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बस वो फ्लो में जा रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है आगे जाके क्या करना है कैसे करना है, एंड ये रिसर्च ने बोला है। एंड ओनली 14% स्टूडेंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ देयर एजुकेशन, सिर्फ 14% स्टूडेंट जिनको पता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, जो पर्पज है उनका लाइफ का, जो पर्पज है वो समझते हैं, पढ़ने के बाद मुझे ये करना है, पढ़ने के बाद मुझे वो करना है, तो ओनली 14% स्टूडेंट ये चीज समझते हैं ऑल ओवर इंडिया में। 99.2% पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि वो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चे के लिए जो कैरियर चूज कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो बस एक गेस में जा रहे हैं, बगल वाले का बच्चा ने ये पढ़ रहा है तो पढ़ा देंगे, बच्चा का फर्स्ट डिवीजन आया है उसको साइंस में डाल देते हैं,
बच्चा का थोड़ा कम मार्क आया है कॉमर्स में डाल देते हैं, नहीं तो आर्ट्स का ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो सब कंफ्यूज्ड है, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं। सो 85% पेरेंट्स बिलीव कि जो रिजल्ट है, जो स्टूडेंट का रिजल्ट है, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नहीं, स्कूल का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका रिजल्ट आने में। अब दोस्तों एक चीज बात करेंगे कि एक स्कूल में 200 लोग 300 लोग पढ़ते हैं एक क्लास में, टीचर एक होते हैं, कंटेंट एक ही प्रोवाइड किया जाता है, सालों भर का सिलेबस सेम रहता है, लेकिन अब करेंगे तो 10% स्टूडेंट जो कि अच्छा मार्क, 10-20% स्टूडेंट अच्छा मार्क ला पाते हैं, उसमें काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी पैसा खर्चा करके ट्यूशन लेते हैं, और बहुत सारे लोग पैसा खर्चा करने के बाद भी गारंटेड नहीं है कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, एंड वो रियल फैक्ट है। तो क्यों होता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, इसमें सब बोलेंगे कि यह स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, ये फोकस नहीं कर पाता है, ये इसका इंटेलिजेंस लेवल ठीक है लेकिन ये फोकस नहीं कर पाता है, लेकिन ये गलत है, कोई प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। एंड पेरेंट्स भी बोल देते हैं ठीक है नेक्स्ट ईयर को फोकस करना है, भाई उसको पता नहीं है कि फोकस करना क्या है, नेक्स्ट ईयर वो किस में फोकस करेगा, ये साल तो किया था लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आया, सो ही इज कंफ्यूज्ड कि मैं नेक्स्ट ईयर जाके मैं कौन सा चीज में फोकस करूंगा। एंड ऐसे ही होते ही जो वो स्कूल से बाहर चला जाता है, उसको पता नहीं होता है कि कैरियर क्या चूज करना है, वो फ्लो में जाता है, फिर आगे जाके आपको पता है कि क्या सिचुएशन होता है, लोग जो जॉब करते हैं सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनको मज़ा नहीं आता है, तो ये बहुत सारे चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते जाता है जो कि एक स्टूडेंट का कैरियर को और स्टूडेंट को बहुत ख़राब डिरेक्शन में लेके जाता है। सो नेक्स्ट 92% टीचर्स एंड पेरेंट्स, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, यही चीज बात करते हैं कि स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन ये फोकस नहीं करता है। भाई उसको फोकस किस में करना है, उसको तो बता दो यार कि आपको फोकस ये चीज में करना है, उसको बताएंगे तभी तो करेगा ना। स्टूडेंट जो होता है ना वो इतना मैच्योर नहीं रहता है, तो उसको मैच्योर लेवल में लाने के लिए आपको करना क्या है, आप वो नहीं करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल ना डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जब टीचिंग स्टाइल एंड लर्निंग स्टाइल मैच नहीं करता है ना, तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उसको करना क्या है, क्योंकि वो एफर्ट्स देता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो एक रिसर्च में आ रहा है कि इसमें दिक्कत क्या होने वाला है, राइट। एंड सबसे जो अजीब चीज है और सबसे जो खराब चीज है वो है कि 89% पेरेंट्स बिलीव्स कि जो गुड कैरियर होता है ना, दैट इज डेस्टिन्ड नॉट डिजाइंड। लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना जो आईएएस का मटेरियल होते हैं वो बचपन से ही होते हैं, सब आईएएस का मटेरियल नहीं बन सकते हैं, कि सब डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सब भाई ये तो ठीक है लेकिन ये डेस्टिन्ड नहीं है। जो सिखा रहे हैं और इनका जो लर्निंग स्टाइल है ना वो मैच करता है, पहला बात है। सेकेंड है कि उन लोगों को पता है कि करना क्या है फ्यूचर में, क्योंकि वो लोग इंक्लाइंड है कि उनको करना कैसा है, कि उनका जो प्रोग्रामिंग है ना वो ऐसे होता है, क्योंकि बचपन से आप जैसे प्रोग्रामिंग करोगे वैसे ही स्टूडेंट होगा, उसको बचपन से पता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसको कौन सा चीज़ में काम करना है, एंड उसका एक विजन सेट किया है जिसके लिए वो उसका विजन को अचीव कर पाता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं ये डेस्टिन्ड है, ये डिजाइन नहीं हो सकता, लेकिन ये डिजाइन हो सकता है। आप ये आपके थ्रू से आपका कैरियर डिजाइन कर सकते हैं, आप जो भी बनना चाह रहे हैं आप बन सकते हैं। तो ये आप में जो बेसिकली है, जो DMIT टेस्ट एंड जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, हमें उसके ऊपर थोड़ा आपको समराइज कर देता हूँ कि ये दोनों टेस्ट में क्या होता है। तो पहले बात करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइको मतलब क्या होता है, माइंड, मैट्रिक्स मतलब न्यूमेरिक्स नंबर, आपका माइंड का न्यू क्या क्या परसेंटेज है जो न्यूमेरिक्स नंबर में, वो एक बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आप कैसे सोच रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है, आप कहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे, क्या इशूज है, आपका कौन सा इंटेलिजेंस लेवल में इशूज हो रहा है, आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हर चीज़
वो एक ऐसे डिजाइन हुआ है ये टेस्ट कि एक स्टूडेंट को इजीली पता चल जाएगा कि, और इमिडिएटली वो स्टूडेंट जब वो डिजाइंड क्वेश्चन अटेंड करेगा, डिजाइन टेस्ट देगा, तब उसको इमिडिएटली उसका रिजल्ट आ जाएगा एंड उसको गाइड भी ये लोग करेंगे कि आपको करना क्या है, और उसका पेरेंट्स भी गाइड कर सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स भी इजीली गाइड कर सकते हैं। जो पेरेंट्स बोलते हैं कि फोकस करना है, तभी बता पाएंगे कि कौन सा चीज़ में फोकस करना है, तेरा किस में इश्यूज हो रहा है, सब वहाँ पे रिजल्ट आ ही जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया टेस्ट है जो कि साल भर आपको एवरी मंथ वो ट्रैक करेगा, आपका एवरी मंथ का रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आपको काफ़ी सारा मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। काफ़ी सारा वीडियोस, काफ़ी सारा मोटिवेशनल वीडियोस, काफ़ी सारा लॉजिकल मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा आपका इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, आपको सॉल्यूशन दिलाने के लिए। एंड जो DMIT टेस्ट, ये टेस्ट के थ्रू से आपका पर्सनालिटी पता चलता है। ये जो टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट एक आदमी का जीवन भर में एक ही बार ये टेस्ट होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये पर्सनालिटी है। ये जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, जो पर्सनालिटी है, वो सबका कभी चेंज नहीं होता है, वो पर्सनालिटी सेम ही रहता है। बस आप एक कंट्रोल लाइफ जीते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे बनना है, मुझे उससे बनना है, तो बाकी वो कंट्रोल लाइफ है, लेकिन आप पर्सनालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये 64 पेजेस का रिपोर्ट है जो कि आपका पूरा पर्सनालिटी आएगा, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, सब जैसे कि एक आदमी पैदा होता है, सबके पास 8 इंटेलिजेंस लेवल रहता है, ठीक है? तो आपका कौन सा इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, आप देखेंगे। सो कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिंगिंग में अच्छा करते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, लॉजिकल चीज़ में वो लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये बचपन से डेवलप हो के आता है। तो ये सबके पास सब इंटेलिजेंस है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन सब इंटेलिजेंस लेवल सबके पास है। आप पास सिंगिंग सीखने जाओगे तो आप गा सकते हो, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी जिसके पास वो इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है, ठीक है, वो जाएगा, वो सीखेगा, तो वो फील्ड में काफ़ी अच्छा करेगा। वो स्पोर्ट्स वाला इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो वो, उसको थोड़ा ट्रेनिंग मिलेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा। तो यही होता है। सो सब आदमी सब कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले जानना पड़ेगा आपका कौन सा इंटेलिजेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप वो फील्ड में काम करते हैं तो उसमें आप जल्दी एक्सेल करोगे, ज़्यादा एक्सेल करोगे, आपका पैशन बन जाएगा वो, राइट? कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं इसलिए अच्छा कर पाता हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन है, वो तो करेक्ट है, लेकिन उस लेवल है उन लोगों का जो इंटेलिजेंस लेवल वो सेक्टर में अच्छा है, तो इसीलिए वो अच्छा कर पाते हैं, इसीलिए वो इतना पैशन के साथ कर पाते हैं। सो यही है। सो लॉजिकली हम लोग बात करेंगे तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लॉजिक। जब इशू होता है ना कहीं प्रॉब्लम होता है, आप आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता चल गया है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, तो आप अच्छे से आपका कैरियर को डिजाइन कर पाओगे, आप अच्छे से सेक्टर चूज कर पाओगे, आप अच्छे से आपका कैरियर चूज कर पाओगे, और आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो जो ये आपको जो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहा है यही है कि आपको पता चलेगा कि आपका अंदर में क्या है, आप कौन सा चीज में वीक हो, कौन सा चीज में स्ट्रांग हो, कौन सा चीज करने से आप ज्यादा एक्सेल कर पाओगे आपका कैरियर पैथ में। तो ये बेस्ट आप है, मैं इसलिए आपको बोला कि ये बेस्ट आप है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में कोई ऐसे काम नहीं कर रहा है। कोई भी, कितना भी बड़ा एडुटेक कंपनी आप उठा के देख लीजिए, सब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपका प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करता है। आप दीजिए 50,000 60,000 कंटेंट, ले जाइए पढ़िए और अच्छा कर लीजिए, ऐसे नहीं होगा। जब एक स्टूडेंट को उसका प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, आप उसको कितना अच्छा कंटेंट दीजिए, कितना बेस्ट टीचर के पास भेजिए, वो अच्छा इसीलिए नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए पहले और उसके ऊपर काम कीजिए। बच्चे को पता होना चाहिए उसको इश्यूज किस में हो रहा है, उसको जो गाइड कर रहा है
उसको पता होना चाहिए कि बच्चा को कैसे गाइड करना है, उसका कौन सा चीज में वो वीक है, तो मैं उसको कैसे गाइड करूंगा, कैसे उसको मैं सजेशन दूंगा, कैसे उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है तेरे लिए। ये आपके थ्रू से आपको ये चीज पता चल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दिस पीपल आर प्रोवाइडिंग विथ मिनिमल कॉस्ट। आप जाएंगे, देखो ये जो चीज है ना, डीएमआईटी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, इसको एक्सेसिबिलिटी नहीं था सबके पास, ये सबको एक्सेस नहीं हो पाता था। आप फोन के थ्रू से एक्सेसिबिलिटी किसी को नहीं मिल रहा था। उनका जो टारगेट है, इन लोगों का जो पर्पोज है कि एजुकेशन सेक्टर में आप तभी इम्पैक्ट डाल पाओगे जब आप स्टूडेंट का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्टूडेंट को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड तभी कर पाओगे जब आप उसका प्रॉब्लम क्या है वो समझ पाओगे। तो हर स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल कमाने के लिए क्यों कोई स्ट्रेस में रहेगा पढ़ने के टाइम में, क्योंकि आप जब बिना स्ट्रेस का कोई काम करेंगे ना, उसमें एक्सेल ज़्यादा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो ये आपके थ्रू से आपका स्ट्रेस लेवल कमेगा, आप आइडेंटिफाई हो पाओगे कि स्टूडेंट्स का क्या इश्यूज हो रहा है। क्या एक पॉजिटिव पेरेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए आज के डेट में आपको पता है कि घर में बेसिकली जो मदर होते हैं वो स्टूडेंट को दिन भर गाइड करते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और बेसिकली उसको देखते हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है और क्या कर रहा है। और हस्बैंड आते हैं रात को और बोलते हैं कि देखे वो क्या पढ़ा, तो हाँ मैं उसको गाइड किया था, वो पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जब ईयर एंड हो रहा है उसको उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो क्यों हो रहा है? और जब हस्बैंड घर से जाता है और वाइफ को बोल के जाते हैं कि आप देखना बच्चे को, तो उनको देखना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्या देखना है? बच्चा तो बुक्स खोल के बैठ रहा है पढ़ने के लिए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है? तो पेरेंटिंग जो है वो फ्री है, वो पूरा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि पेरेंट्स को भी देखना है कि स्टूडेंट को कैसे गाइड करना है, क्या गाइड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका प्रॉब्लम्स को, एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद उसको कैसे गाइड करना है। आप एक चीज बताइए ना, जब पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मेरा बच्चे का ये इश्यूज है, ऐसे प्रॉब्लम है, तो जब वो पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका पढ़ाई करने के लिए ना, तभी वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं टीचर को, और जहाँ से वो कंटेंट ले रहे हैं उनको कर सकते हैं कि मेरा बच्चे का ये प्रॉब्लम है, तो आप इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो क्या? से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो खुद गाइड कर सकते हैं उसके बच्चे को कि मुझे प्रॉब्लम पता है मेरा बच्चे का क्या है और मैं उसको सही ढंग से गाइड करूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके थ्रू से आपको वो चीज़ मिल रहा है। इसीलिए मैं ये बोला कि ये बेस्ट ऐप है फॉर बोथ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कीजिए और आप एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री है, आप एक बार इसका एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आप देखिए आपको क्या बेनिफिट मिल पा रहा है। आई थिंक आप एक बार ये आपको डाउनलोड करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एंड आप एक्सप्लोर कीजिए ये आपको। आज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको एजुकेशन के ऊपर और क्या चाहिए, क्या कंटेंट मैं लेके आऊँगा आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसी हिसाब से कंटेंट लेके आऊँगा। एंड मेरा टारगेट यही है कि मैं हर स्टूडेंट को, हर यंग मास को ऐसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ ताकि उनका कैरियर पाथ में वो उनको हेल्प करे, ताकि वो कोई भी सेक्टर का नॉलेज हो मैं आपको रिसर्च करके ला के दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय जगन्नाथ।